आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे DIY शेयर करने वाली हूँ जिनको अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं ना तो आपको मिल तो जाएंगे लेकिन उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगी। तो बिल्कुल सेम टू सेम DIYs हम अपने घर पे बनाएंगे, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर बनाएंगे और वो भी बिल्कुल थोड़ी सी कॉस्ट के साथ। हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? तो ये जो टैग होते हैं ना हमारी जो शॉपिंग वगैरह के साथ आते हैं ना लगे हुए, तो इनमें काफ़ी सारे कलर्स होते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने ब्लैक कलर का ले लिया है। अगर आपके पास इस तरह से ब्लैक कलर का नहीं है ना तो आप कोई भी कलर ले सकते हैं, उसके ऊपर आप कलर भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो कोई मोटा सा कार्डबोर्ड का पीस भी ले सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ये थी टैग वगैरह के ऊपर जो लगी होती है ना ब्रांड का नाम, तो उसको मैंने इस तरह से परमानेंट मार्कर के साथ हाइड कर लिया। और उसके बाद पेंसिल के साथ पहले तो मैंने इसके ऊपर लिखा है किचन। तो अगर इस तरह से आप कोई भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोटेशन जो भी आपको अच्छी लगती है वही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर तो मैंने किचन लिख दिया है। तो ये पेपर ब्लैक है तो इसके ऊपर मैंने वाइटो से ही इस तरह से लिख दिया है। अगर कोई और कलर होता ना तो मैं मार्कर से या किसी और से भी लिख सकती थी। तो इस तरह से बड़ा सा मैंने किचन लिख दिया है। और उसके बाद इसकी जितनी भी एजेस है ना, चारों एजेस पे मैंने इस तरह से डॉट्स लगा दिए हैं। तो ये जो डिज़ाइन होते हैं ना ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा स्टिचिंग का इफेक्ट देना था ना, तब मैंने इस तरह से इसको बना लिया है। तो इस तरह से बनाने के बाद मेरे पास ये कुछ पड़े हुए थे बीड्स थे, तो दोनों साइड्स पे मैंने इसको इस तरह से लगा दिया है, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर एक होल होता है ना उसको छुपाने के लिए। और उसके बाद ये जो स्पून्स हमारी डिलीवरीज के साथ इतने सारे जो हमारे घर में फालतू बिल्कुल पड़े रहते हैं ना वही मैंने ले लिए हैं। तो यहाँ पर मैं चार यूज़ करूँगी। तो इस तरह से ये कुछ मैंने दालें ली हैं और थोड़े से राइस भी मैंने ले लिए हैं। ये जो स्पून है ना इनके अंदर इनको मैं भरूंगी। तो राइस इसके अंदर डालने के बाद इनको मैंने अच्छी तरह से दबा दिया था। दबाने के बाद दोबारा मैंने ग्लू स्टिक इसके अंदर डाली और दोबारा थोड़े से राइस डाल के इस तरह से सारे जितने भी मेरे पास स्पून्स थे ना उनको मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ फुल कर दिया है। तो इसको मैं अपने किचन में यूज़ करने वाली हूँ ना, तो इस तरह से मैंने इनके अंदर अनाज भर लिया है। तो अगर आप किसी और जगह यूज़ करने वाले हैं तो कोई बीड्स हो गए या तो कोई ग्लिटर्स वगैरह वो भी आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। ये लीजिए, ये सारे स्पून मैंने फिल कर दिए हैं। और उसके बाद इसके जो हैंडल्स हैं ना उनके ऊपर मैंने ग्लू गन इस तरह से लगा दी है। और उसके बाद ये जो हमने कार्ड पहले जिसके ऊपर हमने किचन लिखा था उसको इस तरह से इसके ऊपर हम स्टिक कर लेंगे। अब आप चाहें तो जो मैग्नेट होते हैं ना बच्चे जिससे खेलते रहते हैं वो आप इसके पीछे ग्लू गन के साथ स्टिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक वाइट कलर की डोरी इस तरह से लगा दी है, तो इस तरह से इसको हम हैंग भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको फ्रिज के ऊपर लगाना है ना एज अ फ्रिज मैग्नेट, तो आप इसके नीचे ये जो छोटे छोटे से मैग्नेट्स हैं ना इनको स्टिक करके फिर आप स्टिक कीजिएगा। अगर आपको अपने किचन की वॉल में इस तरह से हैंग करना है तो इस तरह से आप इस डोरी के साथ भी हैंग कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा और छोटा सा क्यूट सा ये जो डेकोर आइटम है आपको पसंद आया या नहीं आया। ये जो पाउच आपके सामने जो मैं खोल रही हूँ ना ये वाइट सीमेंट का है और आपको ये हर जगह पे आसानी से मिल जाएगा। पर केजी के हिसाब से इस तरह से ये पाउचेस बने होते हैं, हर जो हार्डवेयर का शॉप है ना वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा। तो इसको मैंने कुछ दिन पहले ही परचेज़ किया था। सबसे पहले ये सीमेंट है ना इसके अंदर मैं डाल दूँगी और इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी और एक अच्छी सी पेस्ट मैं रेडी कर दूँगी। पानी सारा एक साथ आपको नहीं डालना है, अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रनी हो जाएगी, आपको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर पानी कम हुआ तो ये जो सीमेंट है ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तब भी जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं ना उतनी अच्छी तरह से नहीं बनेगी। तो देखें इस तरह से बिल्कुल ये वाइट सीमेंट है ना क्रीमी जैसा हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर कोई कलर भी ऐड कर सकते हैं, जो एक्रिलिक पेंट होती है ना उसके कुछ ड्रॉप्स डाल के आप फिर इसको कलरफुल भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल वाइट रखा है। उसके बाद ये जो नमक की है ना जो बैग उसको मैंने ले लिया है, इसके अंदर हल्का सा मैंने ऑयल का स्प्रे कर लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, प्लास्टिक है तो बिल्कुल स्टिक नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल का स्प्रे कर लिया है। उसके अंदर फिर मैंने ये सीमेंट भर लिया है।
पहले तो इसको मैंने कप के अंदर रखा, फिर मैंने इसको बाहर निकाला, हल्का सा टैप टैप भी कर लिया ताकि कोई एयर बबल्स ना बने। उसके बाद ये डिस्पोजेबल प्लास्टिक का नहीं पेपर का कप है उसको मैंने ले लिया है, उसके ऊपर भी मैंने इस तरह से ऑयलिंग कर ली है। और ये जो कप है ना इसको हम इसके अंदर रखेंगे। इस तरह से अंदर रखने के बाद इसके अंदर मैं भर लूँगी पानी ताकि इसका थोड़ा सा वेट है ना वो बढ़ जाए, बाहर निकले ना। तो इस तरह से इसको इसके अंदर रखने के बाद एक मैंने डोरी ले ली है, डोरी के साथ मैंने ना इसको इसके चारों साइड पे इस तरह से बांध लिया है। यहाँ पर मैंने नमक की थैली का यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो कोई और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बड़े जो पेपर कप्स आते हैं ना उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया है और अब मैं इसको रेस्ट देने के लिए छोड़ दूंगी। किचन में ही मैंने इसको छोड़ दिया था, अगर आप चाहें तो धूप में भी रख सकते हैं, अगर अंदर पड़ा रहेगा ना तो भी ये सेट हो जाएगा। तो इसको तो हम रख देंगे सेट होने के लिए, और बाकी बचा था और हमारे पास ये वाला पेस्ट, इसको भी हम यूज़ करेंगे क्योंकि ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करनी कोई चीज़। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ब्लैक कलर ऐड कर लिया था ताकि मुझे थोड़ा सा मार्बल का इफ़ेक्ट आने के लिए इस तरह की कोई चीज़ बनानी थी, लेकिन ब्लैक कलर मैंने बहुत कम डाला था, मुझे लग रहा था ना अगर ज़्यादा हो गया तो ये जो वाइट कलर है ना बिल्कुल ख़राब ना हो जाए, तो इस वजह से मैं डर डर के बिल्कुल थोड़ा सा ही ब्लैक कलर डाल सकी। उसके बाद एक डिस्पोजेबल बॉक्स ले लिया है, ये मैंने इस तरह का बॉक्स लिया है, अगर आपको राउंड है ना आपके पास तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में मैंने थोड़ा सा एक और ड्रॉप डाल के इस तरह से जिस तरह से हम मार्बल केक के लिए मिक्स करते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया। और ये जो दवाई की बोतल है ना इसके अंदर मैंने पानी भर दिया था ताकि इसके अंदर थोड़ा सा वेट हो ना ऊपर उठे ना, तो बस पानी भरने के बाद चारों जो कॉर्नर्स हैं उनमें मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। और अब इसको भी रेस्ट दे देंगे ताकि ये भी सेट हो जाए। और थोड़ा सा आपको जो हमारा डिस्पोजेबल बॉक्स है उसके अंदर लगा हुआ सीमेंट नज़र आ रहा है ना इसको भी हम यूज़ करेंगे। उसके लिए ये चटनी का छोटा सा जो बोल होता है ना वही मैंने ले लिया है, आप कोई भी कैप बोतल वगैरह का ढक्कन कोई भी ले सकते हैं। तो ये सारा मैं इसके अंदर डाल के उसके बाद उसके अंदर एक स्ट्रॉ मैंने इस तरह से लगा दी है। तो बस सेट होने के बाद इस तरह से ये बनके रेडी हो चुके हैं। इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, दिन में मैंने बनाए थे और रात तक ये बिल्कुल सेट हो चुके थे। और इनको डीमोल्ड करना बिल्कुल आसान है, ऑयलिंग हमने की हुई है तो बिल्कुल भी ना टूटेंगे, आप चेक कीजिएगा बिल्कुल ये जब ड्राई हो जाए ना सीमेंट उसके बाद आपको खोलना है। बस इस तरह से हम निकालेंगे, हल्का सा इसको पीछे से प्रेस करेंगे ना तो ये निकल आएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये काम है, आप इस तरह से छोटी सी छोटी चीज़ें बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इनको सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे ऐसे एग्जिबिशन भी देखे हैं जिनमें इस तरह की चीज़ें होती हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव रेट में वो बेचते रहते हैं। तो बस आप भी इस तरह से काम अपना शुरू कर सकते हैं, छोटा मोटा अपना बिजनेस। तो देखें ये जो हमने सॉल्ट की बैग के अंदर डाला था ना इसको भी मैंने निकाल दिया है, इसको तो मैंने कट किया था, मुझे ऐसे लग रहा था ना ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। अब इस स्टेज पे भी ये सारी चीज़ें रेडी हैं, लेकिन मज़ीद आपको अगर इनको ब्यूटीफाई करना है तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर कलरिंग आप कर सकते हैं, जैसे इस टेबल के जो हमने लेग्स लगाई थी ना उनके ऊपर मैंने बस इस तरह का गोल्डन स्प्रे कर लिया है। और ये जो हमने सॉल्ट की थैली के अंदर जो बनाया था ना इसमें देखें थोड़ी सी एक्स्ट्रा रफ एजेस है ना इनको भी मैंने इस तरह से छुरी के साथ बिल्कुल स्मूथ कर लिया है। तो अगर आप चाहें तो सैंड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर था नहीं। उसके बाद येलो कलर के अंदर थोड़ा सा रेड कलर मिक्स करके मैंने इसके ऊपर इस तरह से कलर कर लिया है। ये कलर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तब मैंने इसके ऊपर येलो कलर कर दिया। तो फ्रेंड्स आपके पास जब स्क्रीन पे रेडी होके चीज़ आती है ना उसके पीछे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी मेहनत होती है, उसके बाद जाकर आपके पास आती है चीज़। आपको बस इतना काम करना है कि जो भी क्रिएटर हो ना उसकी वीडियो को आप लाइक भी कर दिया करें और अगर हो सकें तो कॉमेंट भी किया करें ताकि उसकी ना एक मोटिवेशन बनी रहे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और ये टेबल भी छोटी सी रेडी हो गई, अगर आप चाहें तो अपने किचन में इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मैंने इसको अपनी साइड टेबल पे रखी है, तो आप जहाँ पर चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ इसके ऊपर जब आप रखेंगे ना तो हाइट देने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और अब ये इसका है फाइनल लुक, अगर आप चाहें तो एज अ कैंडल होल्डर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर फ्लावर्स डाल दिए हैं अभी, और आप कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कौन सा कलर अच्छा लगा है। और इन दोनों के बाद छोटा सा जो हमने एक आइटम बनाया था उसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर का स्प्रे कर लिया, पहले तो रेड किया जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं दिखा,
तो मैंने गोल्डन स्प्रे किया और गोल्डन कलर का इस तरह से राउंड शेप कट करके इसके ऊपर इस तरह से लगा दिया। हमारी जो रिंग्स होती है ना, गोल्ड की हो चाहे आर्टिफिशियल हो, हम जब वेयर करते हैं, खाना बनाना होता है, बर्तन वॉश करने होते हैं, तो इधर उधर हम रख देते हैं, या रात के टाइम जब हम सोते हैं तब भी रिंग हम रखते हैं ना, तो इस तरह से आप रख सकते हैं, अपने किचन में रख सकते हैं, अपने साइड टेबल पर रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक देगा आपके रूम में। अगर आप चाहें तो ऐसा बना के आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है, छोटा सा क्यूट सा। तो आज के थे इतने ही मेरे आइडियाज़, आई होप आपको कोई ना कोई मेरा आइडिया पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी आपके साथ ऐसे ही एक वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।